गाइस, जैसे आपको मालूम है कल होली है और आज यहाँ पे ऐसे छोटी सी होली हमने मनाई है। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, बोलांबे माते की जय, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, संभाल के लेके जाओ, संभाल के लेके आओ। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, हम एक जा रहे हैं एक्साइटिंग जर्नी पे। दी ओकेशन इज RBF, विच इज़ रायगढ़ बाइकर्स फीस्ट, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो 2023 का जो फीस्ट है ये हो रहा है मुरुड जंजीरा में। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम निकले हैं। इनफैक्ट 6:30 बजे हमें कलमबोली पहुँचना था, क्योंकि हम वहाँ से अपने ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने कलवा ब्रिज पर हम चढ़े हैं। दिस इज़ अ न्यू ब्रिज। मुझे ये कवर करना था लेकिन कुछ वजह ही नहीं हुई कवर करने की, तो आज ये वजह है। इस ब्रिज के वजह से काफ़ी आसानी हो चुकी है लोगों को, नहीं तो पहले यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती थी, बेहिसाब ट्रैफिक होती थी। तो चलो, अभी अंधेरा है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं वैसे, तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ। So guys, हम पहुंच चुके हैं कलमबोली मैकडी। तो यहीं पे हमारे दोस्त आने वाले हैं। पता नहीं कितने बजे हैं अभी, क्योंकि 6:30 बजे हमें 6:30 बजे हमें यहाँ पहुंचना था और 6:30 बजे हम घर से निकले हैं। वैसे तो अच्छा खासा भगा के हैं, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं रहेगा, लेकिन चलो आगे जाके चेक करते हैं कि हम कितने लेट हैं। पहले तो हमें देखना पड़ेगा हमारी गैंग कहाँ पे है। सो ये है अपने लोग। हाँ भाई, कावल दबाओ, कैसा है? बड़े दिवस नहीं, नवी मुंबई रैली चरण तर आज एक राइड के लिए ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहेंगे। तो आज फिर से हम एक मज़ेदार राइड पे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये ओवरनाइट राइड है, तो थंबनेल से आपको पता चला रहेगा हम जा रहे हैं RBF, और पीछे अभी अपने दोस्त जमा हो रहे, आप देख सकते हो। वी आर एट कलमबोली मैकडी और ये आ चुके हैं रोहन भाई। ये 7 बजे आने वाले थे और अभी इनके 7 बज रहे हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ से कलमबोली से। द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस इज 148 वगैरह कुछ था, तो अभी कुछ 120 वगैरह बाकी रहेगा। तो देखते हैं, ऐसे रुकते रुकते कुछ जल्दी तो है नहीं, वैसे भी रात को वहाँ पे रुकने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके पहुँच जाएंगे। ये मेरा माइक ने काफ़ी मुझे टेंशन दिया है, मतलब काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, आवाज़ बराबर रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। इतने सारे मैंने पोजीशन चेंज किए हैं लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट वही आ रहा है, तो देखता हूँ मैं। और एक चीज़ मैंने सोची है कि मेरा पिच है ना बात करने का, उसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, शायद उसी से फ़र्क पड़ जाएगा। चलो ट्रायल करते हैं, इट्स मोर और लेस आपको ट्रायल करते रहना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देर इज़ नो परफेक्ट सोल्यूशन फॉर इट, क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपकी आवाज़ अच्छी आ सकती है, ख़राब आ सकती है। तो ये नया कुछ आइडिया मैंने सोचा है, अगर काम आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वापस एक बार कुछ नया सोचना पड़ेगा। आप देख सकते हो ट्रैफिक कितना है यहाँ पे। ये एक पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। यहाँ से एक बार हम आगे जाएंगे और अलीबाग वाला रोड के लिए राइट लेंगे ना, उसके बाद ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, लेकिन तब तक तो ये ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से JNPT के लिए जाती है। अगर आपको मालूम है JNPT इज़ अ पोर्ट,
बहुत बिजी पोर्ट है, काफी सारे बाइकर्स निकले हैं। तो भाई सभी हम हैं पनवेल में, आप देख सकते हो हमारे राइड में शामिल होने के लिए सूरज देवता भी आ चुके हैं। मौसम काफ़ी मस्त है, ज़बरदस्त है, गर्मी तो नहीं है अभी, सुबह का टाइम है तो ठंड नहीं बोल सकते, इट्स अ प्लेजेंट क्लाइमेट। जैसे धूप बढ़ेगी गर्मी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी मुंबई में काफ़ी गर्मी हो रही है। ट्रैफिक सॉर्ट ऑफ है क्योंकि सैटरडे वर्किंग डे है, इस तरफ वर्किंग ज़्यादा होता है। कॉर्पोरेट कल्चर में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन इस तरफ काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह है तो सैटरडे वर्किंग होता है। सो गाइस, मैं अकेले जब रहता हूँ तभी मैं ये रोड से नहीं आता हूँ, मैं JNPT वाला रोड लेता हूँ। थोड़ा लंबा होता है बट रोड खाली होता है, मज़ा आता है वहाँ पर। ये अंदर वाला रोड है ना, काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पर। तो चलो कोई नहीं, अभी ग्रुप है तो उन लोग यहाँ से जाने वाले, तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे। 2000 years later. So guys, यहीं पे हमको 1:15 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे हम लोग रुके थे श्री दत्ता स्नैक्स में, कलमबुली से ज़्यादा दूर नहीं है ये, 4-5 किलोमीटर पे ही है। और आइडिया ये था कि ये टाइम पे हम लोग एटलीस्ट अलीबाग के कहीं नज़दीक पहुँचना चाहिए थे, क्योंकि अलीबाग से भी काफ़ी दूर जाना है, मुरुड़ थोड़ा आगे पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, जैसे मैंने कहा ऐसे कुछ खास काम तो है नहीं आज, और रात को हम लोग रुकने वाले हैं तो रास्ते का मज़ा लेते लेते जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो जाएगी। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। ये ट्रक को, ये शायद से यहाँ से आता रहेगा, पता नहीं कैसे आता रहेगा, उसको ठोक के ये ट्रक यहाँ पे घुस गया। कन्फ्यूजन में कुछ तो हुआ है, क्योंकि काफ़ी चौड़ा रोड है और टोल नाका आगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है। चलो हम भी ध्यान से गाड़ी चलाते हैं भाई, सेफ्टी ज़रूरी है, उसके अलावा आपका रोड पे और गाड़ी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, मतलब नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं ताकि पीछे से सब लोग आ जाए, और यहाँ पे फोटो सेशन चल तो भाई सभी हम यहाँ पे रुके थे, और राहुल जो मेरे साथ है उसका फ़ोन है मुझे कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई है, तो हम थोड़ा आगे छाँव में जाके रुकते हैं राहुल के लिए, और बाकी सब चले गए। मैंने उनको कहा कि चलो कोई नहीं, मुझे रोड मालूम है, मैं आ जाऊँगा, टेंशन नहीं, आप निकलो आगे। तो कहीं छाँव देख के हम लोग रुकते हैं राहुल के लिए और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भाई राहुल आ चुका है, आप देख सकते हो जो आगे है, दैट इज़ राहुल, ही इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एज इन हम लोग साथ में काम करते थे, अभी वो किसी दूसरे कंपनी में काम करता है। तो उसको टेस्ट लेना था, मतलब उसने कभी राइडिंग की नहीं है, तो उसको एक टेस्ट लेना था राइडिंग कैसे होती है, एंड आई एम टेलिंग यू बट फॉर श्योर इसके बाद, वो बोलते हैं ना शेर के मतलब खून लग गया एक बार तो फिर वो टेस्ट एक बार लग गई तो फिर वो जाती नहीं है, ऐसे कुछ है राइडिंग का भी। काफ़ी धूल मिट्टी है यहाँ पे फैक्ट्रीज की वजह से, आप अगर क्लाइमेट भी देखोगे काफ़ी धुंधला है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन स्मोक। तो दिस गाइस, ये जंक्शन है, इसको कार्लेखिंड कहते हैं। आप राइट जाओगे तो आपका मांडवा जेटी आएगा, स्कीम बीच आ जाएगा, और अगर अलीबाग जो मेन सिटी है वहाँ पे जाना है तो आपको सीधा जाना है यहाँ से। यहाँ से मैं इतनी बार गुजर चुका हूँ ना तो मुझे मैप की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आग बंद करके जा सकता हूँ मैं।
गाइस आप देख सकते हो अभी ये मौसम अभी साफ हो गया थोड़ा, मतलब जब भी हम एंट्री कर रहे थे अलीबाग में जहाँ पे वो फैक्ट्री वगैरह थी JSW, वहाँ पे काफ़ी धुंधला था क्लाइमेट और अभी थोड़ा साफ लग रहा है। हल्की हल्की अभी गर्मी लग रही है, ज़्यादा है नहीं। रोड ऐसे ही कुछ है, बीच बीच में थोड़ा ठंडा पैच है, लेकिन ये ऐसे ही रोड है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तीन एक महीने के बाद मैं आज राइड पे निकला हूँ। एटलीस्ट 15 दिन में एक बार राइड करते हैं ना तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, लेकिन एक महीना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं अब ये राइड कभी करते हैं। अभी आज का तो मज़ा लेंगे भाई, आज और कल फुल धमाल। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, लेकिन ये क्लाइमेट धुंधला क्यों है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। ये जब भी क्लियर होता है ना, जो ये नज़ारा जो दिखता है एकदम आउटस्टैंडिंग। आपने ये पहले भी देख चुके हैं आप, क्योंकि मैं काफ़ी आता हूँ अलीबाग को। ज़बरदस्त अभी लो टाइड है, हाई टाइड जब भी होता है तो यहाँ तक पानी आता है ऊपर तक। तो गाइस आप राइट साइड में देख सकते हो, हम लोग पिछले बार यहाँ पे नीचे गए थे, दूर दूर तक समंदर ही समंदर। जबरदस्त मस्त। सो गाइस हम आ चुके हैं काशिद बीच। तो ये राइट साइड में जो है ये काशिद बीच है, हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस ये राइट साइड में पूरा समंदर है, अभी काफ़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसके लिए पता नहीं चलेगा। और ये पूरा ऐसा स्टीप स्लोप है, पता नहीं कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी स्टीप है। तो ज़रा आपको गाड़ी संभाल के चलाना है। तो गाइस ये राइट साइड में नील गार्डन रिजॉर्ट है, मैं यहाँ पे कभी रहा ही नहीं, हाँ लेकिन खाना बहुत बार खाया, बहुत अच्छा फिश मिलता है यहाँ पे। ये इसका राइट साइड में इसका एंट्री है, आप देख सकते हो। सो गाइस हम हमारे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो मेन रोड से ऐसी कुछ एंट्री है इसकी। ये सीधा रोड बीच पे जाता है, तो हम थोड़े आगे चले गए और हमारे सब दोस्त लोग वो थे, कुछ शायद से यही है। ओके गाड़ियाँ दिखने लगी है, तो हमारी वाली गाड़ियाँ नहीं दिख रही है अभी तक। ओके सो दिस इज द प्लेस। तू भी है क्या? हेलमेट डाला तो कैसे? क्या बोल रहे? आता आता हूँ। अरे अरे थैंक यू। अरे थोड़ा आगे आगे उधर गया था, वो ढूंढते आया इधर, रुक आता हूँ गाड़ी लगाता हूँ। A few moments later. Thank you.
दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब ये जो दिख रहे हैं ये हमारे बंदे हैं, हमारे ग्रुप की, और बाकी ये पूरा बीच हमारा है। और मेन चीज़ ये है कि ये बीच साफ़ सुथरा है, मतलब यूजुअली है ना बीच पे काफ़ी कचरा रहता है, मतलब प्लास्टिक वगैरह, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत क्लीन बीच है।